नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग वो भी एक स्विच बोर्ड का दोस्तों यहाँ पे जो आप स्विच बोर्ड देख रहे हो ये नॉर्मल स्विच बोर्ड नहीं है ये है रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड जो कि कारोलाइट कंपनी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों ये जो स्विच बोर्ड है किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करेंगे सभी के सभी नॉलेज इस वीडियो के द्वारा आपको देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तो दोस्तों ये हमारा स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्विच बोर्ड मिल जाएगा और एक रिमोट मिल जाएगा दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 12 मॉड्यूल वाला स्विच बोर्ड है यानी कि जिस स्विच बोर्ड में 12 स्विचेस लग जाते हैं उसके जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमें एक रिमोट भी मिल जाता है इस रिमोट के द्वारा हम इस स्विच बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि इस रिमोट के द्वारा हम इस स्विच बोर्ड को चालू और बंद कर सकते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर मिल जाता है दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये एक स्पेशल वर्क के लिए दिया गया है यानी कि हमारा जो स्विच बोर्ड है यदि इसको कनेक्ट करने के बाद में यदि आपका जो फैन है वो साउंड करता है तो उसके जगह पे इसको यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है दोस्तों उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा जिसको आप पढ़ के आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे स्विच बोर्ड का तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें आपको चार लैम्प कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है यानी कि इस स्विच बोर्ड के द्वारा आप चार लैम्प को चालू और बंद कर सकते हो उसके बाद में आप एक फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो अब यहाँ पर जो हमारा फ़ैन होता है उसको हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है यानी कि स्पीड को बढ़ाना होता है कम करना होता है तो उसके लिए यहाँ पर दो बटन दिया गया है इस बटन से आप फ़ैन के स्पीड को बढ़ा सकते हो और इस बटन के द्वारा आप फ़ैन के स्पीड को कम कर सकते हो उसके बाद में जो हमारा फ़ैन है वो कितने स्पीड पे वर्क कर रहा है उसका इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें हमें दो पावर सॉकेट मिल जाता है और इन दोनों पावर सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दो स्विच लगाए गए हैं ठीक है दोस्तों दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें केवल हम लाइट और फैन को रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट को हम रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अब दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको जब हम पीछे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कंट्रोल पैनल यानी कि इसी के द्वारा हमारा जो स्विच बोर्ड है उसको कंट्रोल किया जाता है उस उसके अलावा यहाँ पे हमारा सॉकेट है जिसको हमें इस स्विच के द्वारा कंट्रोल करना होता है दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसका जो कवर होता है कवर बहुत सारे कलर में आते हैं यदि आप चाहते हो कि आपका जो दीवार है उसके कलर के मैचिंग में आप इस स्विच बोर्ड का कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कलर ऑप्शन मिल जाता है है जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास में बहुत सारे कवर हैं जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ठीक है तो यहां पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कवर हैं तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो आपको ये वाली कलर मिल जाएगी इसके अलावा आपको बैगनी कलर का भी कलर मिल जाता है ब्लैक कलर का आप अगर चाहते हो कवर तो आपको ये वाली भी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको इस कलर का भी कवर मिल जाती है ठीक है दोस्तों इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे कलर के कवर मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों लेकिन दोस्तों जब भी आप खरीदोगे तो आपको वहाँ पे कलर का सिलेक्शन करना होगा आपको स्विच बोर्ड के साथ में ही कवर को लेना है यहाँ पे आपको अलग से कवर नहीं मिलता है ठीक है दोस्तों दोस्तों यदि आप इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप उस लिंक के द्वारा इस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हो ठीक है दोस्तों इस टाइप का स्विच बोर्ड का इस्तेमाल हम हमारे घर में कर सकते हैं ऑफिस में कर सकते हैं या फिर स्कूल में भी कर सकते हैं जहां पर हमें क्या करना होता है लाइट को बार बार चालू और बंद करना पड़ता है वहां पर हम इस स्विच बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम आसानी से रिमोट के द्वारा इसको चालू और बंद कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसका कनेक्शन करना सीख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जो हमारा सॉकेट है इसका कनेक्शन कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो यहां पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा स्विच है इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से हम इस सॉकेट को पावर सप्लाई देंगे तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा पावर सॉकेट है इस सॉकेट का जो दाहिना पिन होता है उसमें हमें फेस सप्लाई देना होता है दाहिना पिन कैसे देखेंगे देख लीजिए हम क्या करेंगे ये जो हमारा राइट साइड है यहाँ से हम जब देखेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड होगा तो इस पिन पे हमें फेस सप्लाई कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे इस पिन पे फेस सप्लाई दे देंगे ठीक है ये वाला पिन हमारा फेस सप्लाई के लिए हो जाएगा तो हम इसको फेस सप्लाई दे देते हैं यहाँ पर हमने इसको फेस सप्लाई दे दिया अब ये जो दूसरा वायर का दूसरा छोर है इसको क्या करेंगे इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे जिससे क्या होगा हम स्विच को चालू करने वा पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस सॉकेट में चली जाए ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिए अब इसके बाद में क्या करना है कि ये जो हमारा सॉकेट है इसको भी फेस सप्लाई इस स्विच के द्वारा देना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और वायर का इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे ये जो हमारा स्विच है इसके इस टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे ये वाले स्विच का आउटपुट टर्मिनल पे हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया अब ये जो वायर है इस सॉकेट के राइट हैंड साइड वाले पिन पे जाएगा ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट पे यहाँ पे लिखा हुआ है एल और एन जहाँ पे एल लिखा होगा वहाँ पे आपको इस वायर को कनेक्ट करना होता है तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किए जो हमारा स्विच था इसके आउटपुट टर्मिनल से इस सॉकेट को पावर सप्लाई दे दिए अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन दोनों स्विच को भी आपस में लूप कर देना है यानी कि जो इनकमिंग टर्मिनल है इनको आपस में शॉर्ट कर देंगे तो शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक वायर का इस्तेमाल करेंगे ये जो वायर है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया अब दोस्तों ये जो हमारा वायर है इसका जो दूसरा छोर है उसको हमें इस पर कनेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों यहाँ से हमें एक वायर को और लूप करना है यानी कि यहाँ से एक वायर को ले जाके हमारा जो रिले है इस रिले को भी हमें फेस सप्लाई देना होता है दोस्तों ये जो हमारा रिले है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ेगा तो फेस सप्लाई हम डायरेक्ट देते हैं इसके आउटपुट टर्मिनल से नहीं देंगे हम क्या करेंगे इसके इनकमिंग वाले टर्मिनल से फेस सप्लाई देंगे तो यहाँ पर हम एक वायर और इस्तेमाल कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और वायर ले लेते हैं और इस वायर को भी इसी स्विच के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे यानी कि इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे ठीक है तो दोस्तों ये जो हमारा स्विच था इस टर्मिनल पे हमने दो वायर को कनेक्ट कर दिया एक वायर यहाँ से आया यहाँ पे और यहाँ से एक वायर को हमने लूप करके हमारा जो रिले है इस रिले का जो पी वाली टर्मिनल है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पी लिखा हुआ है यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो जो पिन वाली टर्मिनल है उस पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिले था इसको हमने फेस सप्लाई दे दिए अब दोस्तों ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड का जो सॉकेट है इस सॉकेट का जो न्यूट्रल वाली पिन होती है ये वाली और ये वाली इस पिन को आपस में लूप करना होता है दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट का जो राइट हैंड साइड वाली पिन होती है वो फेस के, के लिए होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन हमारा न्यूट्रल के लिए होता है इस पर लिखा भी हुआ है एल और एन जहाँ पर एल लिखा है वहाँ पर आपको फेस सप्लाई देना और जहाँ पर एन लिखा हुआ है वहाँ पर आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है तो यहाँ पर हम एक वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं और

अब दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है कि ये जो मोटा वाला पिन है ये दोनों पिन को भी आपस में लूप करना होता है तो यहां पे हम एक वायर के द्वारा इन दोनों टर्मिनल को भी लूप कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा वायरिंग का लूप था वो कंप्लीट हो गया अब यहाँ पे हमें केवल क्या करना है कि जो हमारा फेस सप्लाई होगा उसको ला के यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा उसको ला के यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे अब दोस्तों जो हमारे घरों में लाइट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि पावर सप्लाई देने के लिए ये जो हमारा रिले है इस रिले पर जो एल और एल लिखा हुआ है और यहाँ पे L3, L4 इन चारों टर्मिनल से हम लाइट को कंट्रोल करते हैं पहला लैंप हम L1 पे कनेक्ट करेंगे दूसरा लैंप को L2 पे तीसरे लैंप को L3 और जो हमारा चौथा लैंप है उसको L4 पे कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा फैन होता है उसको फैन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां पे जो हमारा आउटगोइंग पावर सप्लाई है और जो इनकमिंग पावर सप्लाई है उसका कनेक्शन हम डायरेक्टली स्विच बोर्ड में कनेक्शन करके देखेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन करके पूरा देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारा नॉर्मल स्विच बोर्ड है इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड से दोस्तों यहां पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें एक लाइट कनेक्ट है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे जो लाइट ग्लो हो रहा है वो इस स्विच बोर्ड से कंट्रोल है और साथ ही साथ में यहाँ पे एक फ़ैन का कनेक्शन दिया गया है और यहाँ पे दो सॉकेट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दो सॉकेट है सेम टू सेम यहाँ पे दो सॉकेट का कनेक्शन किया गया है अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको यहाँ से निकाल के इस स्विच बोर्ड को हम रिप्लेस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा स्विच बोर्ड था इसको हमने ओपन कर लिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा फेस सप्लाई है न्यूट्रल पावर सप्लाई और जो अर्थिंग है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेस्टर है इसको हम हर एक टर्मिनल पर कनेक्ट करके करके चेक कर लेंगे यहां पे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो हमारा फेस सप्लाई होता है वो सबसे पहले आके स्विच में कनेक्ट होता है तो यहां पे हमारे पास में चार स्विच है अब यहां पे देख सकते हो चारों स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए इस वायर का इस्तेमाल किया गया है यानी कि ये हमारा फेस सप्लाई हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है तो ये हमारा वायर जो है वो फेस सप्लाई के लिए हो गया अब जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होता है वो हमारे सॉकेट में आके कनेक्ट होता है यानी कि जो सॉकेट का न्यूट्रल टर्मिनल होता है उसमें कनेक्ट होता है जैसे कि आप देख सकते हो ये जो वायर है वो डायरेक्ट आके कनेक्ट है यानी कि ये जो वायर हमारे हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए हो जाएगा उसके बाद में जो हमारा अर्थिंग है वो आके इस मोटे वाले पिन पे कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाली वायर है ये हमारे अर्थिंग वाले पिन पे कनेक्ट है तो ये जो वायर हमारा वो अर्थिंग का हो जाएगा तो इसको हम ओपन कर लेंगे उसके बाद में दोस्तों हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारा आउट पावर सप्लाई है वो कौन कौन से वायर हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा रेगुलेटर है रेगुलेटर से जो आउटपुट वायर गई है ये वाली ये हमारे फैन के लिए चली गई है उसके बाद में जो हमारा बल्ब है वो बल्ब के पावर सप्लाई देने के लिए इस वायर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर जो बल्ब है वो केवल एक बल्ब कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पे हम केवल दो लोड को कनेक्ट करके चेक करने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हम इन सभी वायर को ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड था उसको हमने रिमूव कर लिए अब यहाँ पे हमारा जो फेस सप्लाई है उस फेस वाले वायर को हम क्या करेंगे हमारे स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे जो हमारा स्विच है इस स्विच को हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना होता है यानी कि जो हमारा फेस सप्लाई है उसको इस स्विच के साथ में कनेक्ट करेंगे तो so, यहाँ पे जो हमारा स्विच था इसको हमने फेस सप्लाई दे दिए अब जो हमारा फेस सप्लाई का वायर था यहाँ से वायर यहाँ पे लूप है और यहाँ से वायर यहाँ पे लूप है यानी कि जहाँ जहाँ हमें फेस सप्लाई देना था वहाँ वहाँ कनेक्ट हो गया अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड का जो सॉकेट है इस सॉकेट में जो न्यूट्रल वाले पिन होता है इसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है तो यहाँ तो पर जो हमारा येलो वाली वायर थी ये हमारा न्यूट्रल के लिए है तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है इसको हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिए अब यहाँ से हमें आउटपुट पावर सप्लाई लेना है तो हमें क्या करना है कि जो हमारा आउटपुट का टर्न वायर है ये हमारा लाइट के लिए हो गया तो इसको हम क्या करेंगे जो हमारा एलवन है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर हमने L1 वाले टर्मिनल पे इस लाइट वाले वायर को कनेक्ट कर दिया अब जो हमारा फैन का वायर था ये वाली इसको हम क्या करेंगे फैन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे दोस्तों यहां पर हमने इस स्विच बोर्ड को फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दी अब हमें केवल इसमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है तो यहां पे अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए इस ब्लू वायर का इस्तेमाल किया गया था तो हम सेम टू सेम यहां पे कनेक्शन कर देंगे हम क्या करते हैं ये जो हमारा मोटा वाला पिन है इस पिन हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों यहां पे जो हमारा स्विच बोर्ड का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है यहां पे जो हमारा न्यूट्रल का वायर था न्यूट्रल वायर को ला के हमने क्या किए लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिन है उसमें कनेक्ट कर दिए और जो हमारा फेस का वायर है ये वाली इसको ला हमने स्विच को इनपुट पावर सप्लाई दे दिए उसके बाद में जो हमारा लाइट है लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमने इस वायर का इस्तेमाल किया था तो इस वायर को हमने ला के L1 वाले के साथ में कनेक्ट कर दिया अब दोस्तों यदि आपके पास में और भी लाइट है तो आप क्या करोगे एल पे कनेक्ट कर दोगे और जो हमारा तीसरा लाइट होगा उसको एल पे और दूसरा लाइट जो होगा उसको एल पे कनेक्ट कर देंगे उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फ़ैन होता है फैन का जो आउटपुट पावर सप्लाई जाता है उसको ला के हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फैन वाली टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर देंगे तो ये जो वायर था हमारा फैन के लिए था इसको हमने ला के यहाँ पर कनेक्ट कर दिए दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा आपको रेगुलेटर का कनेक्शन नहीं करना है क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा रिमोट है ये रेगुलेटर का भी काम करता है अब चलिए दोस्तों इसको हम एक बार पेकअप कर देते हैं उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो स्विच बोर्ड है वो वर्क करता है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड था इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है किस प्रकार से वर्क करता है एक बात समझ लेते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्विच है इस स्विच को प्रेस करने पे हमारा लाइट ऑन हो जाएगा तो हम लाइट को ऑन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला स्विच था इसके द्वारा हमारा लाइट कंट्रोल है तो हमने इस बटन को प्रेस किया तो जो हमारा लाइट था वो ऑन हो गया है अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीन स्विच है इन तीनों स्विच को प्रेस करने पे जो हमारा दूसरा लाइट होगा वो ऑन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमने किसी प्रकार का लाइट का कनेक्शन नहीं किए तो यहाँ पे हम इसको ऑपरेट करके नहीं देखते हैं उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फैन है उसको चालू करने के लिए हमें इस स्विच को प्रेस करना पड़ेगा तो इस स्विच को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो जो हमारा लाइट फैन होगा वो ऑन हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फैन ऑन हो चुका है ठीक है अब यहाँ पे जो हमारा दो स्विच है इन दोनों स्विच के द्वारा हम फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं अभी देख सकते हो दोस्तों जो हमारा फ़ैन है वो फुल पोजीशन पे काम कर रहा है यानी कि हाई स्पीड पे काम कर रहा है अब यहाँ पे यदि हमें फ़ैन के स्पीड को कम करना है तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फैन का स्पीड है वो स्लो होते चला जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा फ़ैन का स्पीड और कम हो गया है देखा ठीक है अब यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों स्विच दिया गया इन दोनों स्विच के द्वारा हम इस सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको हम रिमोट के द्वारा कंट्रोल करके चेक करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमारा एलवान है इसको प्रेस करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रिमोट है इसको प्रेस करने पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने रिमोट का जो सेल है उसको कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे जो हमारा सेल है इसको कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद इसको ऑपरेट करके चेक कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रिमोट था इसके साथ में हमने सेल को कनेक्ट कर लिया अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको हम इस रिमोट के द्वारा कंट्रोल करके चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो हमारा लाइट था वो हमने एक नंबर लाइट के साथ में कनेक्ट किया था यानी कि एक नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट किया थे तो यहाँ पर जो हमारा एल है इसको प्रेस करने पर हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको प्रेस करते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो लाइट था वो ऑफ हो गया अब इसी बटन को दोबारा प्रेस करने पर हमारा लाइट ऑन हो जाती है ठीक है दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा फैन का स्विच है इसको यदि चालू और बंद करना है तो हमें क्या करना है सबसे पहले ये F1 वाले बटन को प्रेस करना है इसको जब हम प्रेस करते हैं तो यहां पे देख सकते हो वन पोजीशन आ गया यानी कि जो हमारा फैन है वो स्टार्ट हो गया अभी जो हमारा फैन का पोजीशन है वो बहुत स्लो है अब यदि हमें यहां पे फैन की स्पीड को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे यहां पर प्लस वाले बटन को प्रेस करने से आप देख सकते हो यहां पर इसका पोजिशन चेंज हो रहा है यानी कि हमारा फैन की स्पीड बढ़ रहा है ठीक है यहां पर चार पोजिशन टोटल दिया गया है एक दो तीन चार ठीक है आप अपने फैन का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे जो आपके दूसरे लाइट है इनको यदि आपको चालू बंद करना है तो आपको यहाँ पे दूसरे बटन को प्रेस करना है यानी कि L2 को प्रेस करने पे L2 टू वाला लाइट ऑन हो जाएगा L3 वाले को प्रेस करने पे L3 होगा और L4 को प्रेस करने पे L4 वाली लाइट ऑन ऑफ होगा ठीक है दोस्तों दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जलता है यदि यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है वो ऑन पोजीशन पे ठीक है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा स्विच बोर्ड का फ्रेम है फ्रेम आपको बहुत सारे कलर को मिल जाता है जैसे कि ये जो फ्रेम है मैं इसको निकाल के यहाँ पे दूसरे फ्रेम को कनेक्ट कर सकता हूँ ठीक है यहाँ पे जब आप स्विच बोर्ड को बाई करोगे तो आपको यहाँ पर फ्रेम का कलर सेलेक्शन करना होता है ठीक है दोस्तों दोस्तों यदि आप इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाई कर सकते हो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस् सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद